subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में. फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया हैज़ गिफ्टेड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज टू द वर्ल्ड. हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड पॉइंट इज वॉट इज कल्चर हेरिटेज. कल्चर हेरिटेज क्या होता है? कल्चर हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज, है ना. ये हमारे द्वारा, इंसान द्वारा ही बनाया गया हुआ कल्चर है, कल्चर हेरिटेज है. वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाई द ह्यूमन विथ हिज टैक, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चर हेरिटेज. टैक मतलब होता है बिना किसी को हानि पहुँचाए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए. विजडम मतलब होता है अपनी बुद्धिमानी से, अपनी आर्ट, अपनी स्किल की वजह से ये कल्चर हेरिटेज बना है, इसी को हम कल्चर हेरिटेज कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज द कास्ट एंड ट्राइब्स लाइक आर्यंस, कुशंस, हंस, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्स्ट्रा हैव कम टू इंडिया. ये सब जितने भी कास्ट के लोग थे, ट्राइब्स के लोग थे, ये सारे हमारे भारत में आए. उसके बाद क्या हुआ यहाँ आने के बाद में? फोर्थ पॉइंट, इंडियन कल्चर हैज़ बिकम रिच बाय एक्सचेंजिंग इट्स कल्चर अमंग फॉरेन ट्राइब्स. हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंडियन कल्चर जो है एक्सचेंज होने के बाद में बहुत ज़्यादा रिच हो गया, एक साथ मिलने के बाद में फॉरेन ट्राइब्स के साथ में. ना The people of India have from the prehistoric period, मतलब जो लोग थे हिस्ट्री से भी पहले के जो लोग थे, have contributed to the people of the world. मतलब उन्होंने prehistoric, जो हिस्ट्री हमने पढ़ा है उससे भी पहले, जो prehistoric कहा है मैंने उससे भी पहले जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा अपना योगदान दिया है. Now, sixth point is the art of architecture and sculpture are 5000 years old. हमारा जो यहाँ का आर्किटेक्ट, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह बनता है, स्कल्पचर मतलब जो स्टैचूज वगैरह बनते हैं, वो 5000 साल पुराना है. और इसका एविडेंस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, आपको मैंने पहले भी बताया था. अभी नेक्स्ट, ऑन सीइंग रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ, मतलब अगर आप देखोगे कोई भी फिगर को, अगर आप देखोगे जैसे कि गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, several toys and wells as sculptures of a bearded man, दाढ़ी वाले इंसान को अगर आप देखोगे, आपके बुक में पिक्चर भी दिया गया है, the statue of a dancer, है ना, नटराज, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. ये सब देखने के बाद में बहुत ही हमें प्राइड, बहुत अच्छा फील करते हैं हम, राइट, हमारे हेरिटेज में ये सब चीज़ हमें जब देखने को मिलता है, फिगर्स हमें जब इन चीज़ों की मिलती है, राइट. नाइन्थ पॉइंट, फर्दर वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर हेरिटेज. इफ वी लुक एट, क्या हम कब प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैड और रेस्पेक्ट आता है अपनी कल्चर के लिए, कब आता है? जब द फिगर ऑफ बुलक और लायन ऑन अ इन्वर्टेड लोटस ऑफ अ मोरेनेरा, जब हम ये देखते हैं उस वक्त. सेकेंड इज द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फ्रॉम फॉर्म, राइट, गौतम बुद्धा का जब हम देखते हैं मेडिटेशन करते हुए, जो स्टैचूज आपको देखने को मिलते हैं कई जगह पर मिलते हैं, है ना, लोग अपने घरों में भी रखते हैं बिकॉज वो बहुत दिखने में अच्छा लगता है, राइट. नेक्स्ट इज द कालकंड स्टैचूज ऑफ अ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोवेरा ऑफ अ राष्ट्रकूटरा डायनेस्टीज. इन सब चीज़ों को देख कर हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, राइट. नाउ 10th point, our cultural heritage accommodates places, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates, right. आप सबको पता ही है यहाँ पर हम सब जाते हैं पूजा करने के लिए, लोग अपनी अपनी जगह पर जाते हैं. ये जो स्तूपास और विहारास है ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, उनके मंदिर जैसा ही है, जैसे हम पूजने के लिए मंदिर में जाते हैं वो वहाँ पर जाते थे, राइट. 11th पॉइंट है, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली में तो बहुत सारी जगह है ऐसी, मतलब जहाँ से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस ये यहाँ पर दिए गए हैं, बताया गया है, हमारे कल्चर हेरिटेज में पाया गया है. 12th पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया आर,
यहाँ से हमारे भारतीय लोगों ने जिन्होंने डिस्कवरीज की जो बहुत खास थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो कौन कौन चीज़ ऐसी कौन कौन सी चीज़ों में की है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, लीजन, चैरियट, रथ जो कहते हैं हम, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हमारे भारतीय लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है, डिस्कवरीज करी है, अपनी योगदान दी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, गुजरात के हेरिटेज के बारे में। यहाँ पे ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, सिर्फ इसको 4 डिवीज़न में बताया गया है। आपको पॉइंट्स याद रखनी है, ये जो कि आपको ज़रूरी होगा, आपके जब 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ये कहीं ना कहीं आपको आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर, कहाँ कहाँ था, 3 चीज़ इसमें बताएगी, कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। कौन सा है, सबसे पहला है लोथल, जो कि कहाँ है, ढोलका तालुका में। सेकेंड इज रंगपुर, है ना, लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। थर्ड इज ढोलावीरा, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। फोर्थ इज रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़, है ना, जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका सेकेंड जो है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात का, द वर्थ सीइंग प्लेसेस लाइक द वर्थ सीइंग प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस आर, पिलग्रिमेजेस मतलब जो जहाँ पर धर्म स्थल होता है, जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था मेरे पहले वीडियोस में वो, ठीक है। विक्ट्री टावर ऑफ वाडनगर, है ना, स्टोन स्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महल, महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार जो कि कालूपुर में है, अपने यहीं पर है, और टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंगा, लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम ऑफ मोहम्मद खान एंड पारसी अग्याड़ी ऑफ नवसारी, राइट, ये सब चीज़ है। नाउ थर्ड इज प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर, जिसकी एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज़ है, इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, वो ऐसी जगह है ना, प्लेसेस जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, सब जानते हैं, है ना, श्रद्धा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंग जो कि एक गुजरात में है, वो है सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जो है, भोजराज जी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, रणछोड़ राज टेम्पल जी जो कि डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, सामला जी जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो ये ऐसे कुछ है जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। नाउ वेल नोन, फोर्थ ये लास्ट है, वी वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर, कौन कौन से हैं वो, जो कि रिलीजियस भी है, सोशल भी है, टूरिज्म भी है, यहाँ पर तीनों चीज़ें यहाँ पर फेमस है जो लोग यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पोलो फॉरेस्ट, विजयानगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद, काकरिया कार्निवल अहमदाबाद, ताना रेरी फेस्टिवल वाटनगर, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढ़ेरा एंड रन उत्सव इन कच्छ जो कि यहाँ पर होता है, क्लियर। अब कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात में टूरिज्म प्लेसेस एंड जैन एंड बुद्धिस्ट के बारे में, जो कि टूरिस्ट प्लेसेस है जैन और किसका, जैन एंड बुद्धिस्ट का, राइट। फर्स्ट वन इज जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल इन इंडिया, यहाँ पर जब वो आए, यहाँ पे जब बसे, है ना, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह पर, वेरियस जगह पर आपको बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि फेमस है वाडनगर, तरंगा, खम्बलिया, सामला जी, कोटेश्वर, तालाजी, धांग और झागड़िया एक्स्ट्रा में, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है और भी जगह है। अब यहाँ पर हमारे गुजरात के कुछ फेयर्स है जो कि बहुत फेमस हैं, जो कि मैं उनके नाम लूँगी और जगह प्लेसेस का नाम आपको बताऊँगी,
और इसके साथ में आपके बुक में अच्छी तरीके से इसके तिथि टाइम और फेयर भी बताया गया है कि कब वो होता है ऐसा बताया गया है। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको प्लेसेस याद रखने हैं, जो फेयर्स हैं वो कहाँ होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तिथि और टाइम के वो ज़्यादा नहीं पूछते। ओके, मैं फटाफट ये एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि कहाँ पर होता है। मोढेरा फेयर होता है, मोढेरा मेहसाना में होता है। भोजराजी फेयर जो होता है वो भोजराजी मेहसाना में होता है। श्यामला जी ठाकुर जी जो है श्यामला जी अरवली में होता है। उसके बाद भादरवी पूनम जो होता है वो अंबाजी में होता है ना, बनासकांठा में होता है। उसके बाद भावनाथ महादेव फेयर जो है वो गिरनार जूनागढ़ में होता है। उसके बाद टार्नेटर फेयर जो है वो सुरेंद्र नगर में होता है, राइट। उसके बाद भाडिया फेयर जो होता है वो भाडियाट अहमदाबाद में होता है। उसके बाद नालंक फेयर जो है वो होता है आपका भावनगर में, है ना। इन चीज़ों को आपको बस याद रखना है। अब और जो बाकी रह गए हैं, माधवपुर फेयर जो है वो माधवपुर पोरबंदर में होता है, और मिर्धातर फेयर जो है वो आपका उन्नावा महसाना में होता है। दांग दरबार फेयर जो है वो आहवा दांग में होता है। गोल गधेड़ा फेयर जो डोंगी फेयर बोलते हैं जो इसमें होता है वो है दाहोद में होता है। फिर कार्तिक पूनम फेयर जो है वो सोमनाथ गिर में होता है। फिर भांगुरिया फेयर जो है वो कौन मतलब छोटा उदयपुर जो कि गुजरात में ही है